नमस्ते। अब तो आप सब लोग हमको पहचानते होंगे, इतना प्यार जो दिए। लेकिन जो लोग नहीं पहचानते ना, उनके लिए नमस्ते। हमारा नाम है मुकुंद मिश्रा। कुछ दिन पहले हम आप सबके सामने हमारे दिल की बात रखे थे, लेकिन साला एक चीज़ हम बोलना ही भूल गए। ये जो साला मुकुंद मिश्रा है ना, ये असल में है ही नहीं। ये एक कलाकार है, प्रथमेश बरगे, उन्होंने ये किरदार लिखा। अब हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, आप उनसे ही मिल लीजिएगा। नमस्ते। हम ही मुकुंद मिश्रा हैं और हम ही प्रथमेश बरगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश बरगे और मैं मुंबई बेस्ड एक्टर हूँ। और इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, मैं सबको बहुत 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 ज़्यादा बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस काइंड का सपोर्ट मिलेगा। मेरे वीडियो को इतना लोग शेयर करेंगे, इतने बड़े बड़े लोग शेयर करेंगे, मुझे DM करेंगे। मतलब 10K के सपने देखने वाले लड़के को आपने 10 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचा दिया। और मतलब थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जिन लोगों ने प्यारे प्यारे DMs और कमेंट्स लिखे हैं, मैं जितने लोग को रिप्लाई कर पाया मैंने किया, और जितने बाकी लोग को नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी और थैंक यू। और मैं यही बोलूँगा कि आपने जब ये वीडियो देखा, आपने सिर्फ मुकुंद मिश्रा नहीं देखा, आपने ये समझा कि मेंटल हेल्थ भी एक इशू है। और दूसरी बात तो आपने ये जाना कि एक आर्टिस्ट कुछ बोलना चाह रहा है, और आपने इस आर्ट को, एक आर्टिस्ट को इतना प्रमोट किया, इतना अप्रिशिएट किया। मैंने मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने लोग DM करेंगे कि ब्रो तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, ब्रो कीप इट अप। मतलब मैं बस रोना वाके छोड़ दिया आप लोग ने। और मैं फिर से यही कहूँगा कि मुकुंद मिश्रा एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और मैं प्रथमेश बरगे ने वो कैरेक्टर प्ले किया मेरे मोनो एक्ट में। और मुकुंद मिश्रा भले ही फिक्शनल हो, लेकिन आप सब लोग ने उस कैरेक्टर को ज़िंदा किया। उस कैरेक्टर को आप, अब वो अमर हो गया है वो कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर भले ही फिक्शनल हो, लेकिन अपने आसपास ऐसे कई मुकुंद मिश्रा हैं, ऐसे कई लोग हैं, मतलब आपके ही दोस्त हैं, जो मतलब आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात कर नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों से बात कीजिए, उनकी बात सुनिए और उनको बहुत सारा हंसाए। और एक चीज़ बोलूँगा, एक आर्टिस्ट जब उसका आर्ट बनाता है, तब तो उसको अच्छा करने के लिए वो काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग फेक मुकुंद मिश्रा क्रिएट कर रहे हैं, उसकी फेक बैक स्टोरी बना रहे हैं, और मतलब सिंपथी गेन करके लोगों तक तो गलत मैसेज पहुंचा रहे। तो मैं बस उन लोग को कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, बाकी सब आप पे है। और फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सारा, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी ये। लेकिन ये सब देख के मैं बहुत मोटिवेट हो गया हूँ। मैं ज़रूर आपको, आप कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपको हंसाता रहूंगा, आपको रुलाता रहूंगा। तब तक आपका ये दोस्त प्रथमेश AKA मुकुंद मिश्रा आपको अलविदा कहते हैं। थैंक यू।